सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सत्युग रचने वाले, नई सृष्टि बनाने वाले, हम बच्चों को पावन बनाने वाले बाबा आज कह रहे हैं, सत्य बाप सच खंड स्थापना करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने, और नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को, तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसलिए विशाल बुद्धिवंत सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है हम सब भाई भाई वाह भाई बहन है। बाकी ऐसे नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया। युक्ति से चलना है। रूहानी अक्षर ने कहे सिर्फ बाप कहें तो यह भी अंडरस्टूड है, ये रूहानी बाप है। बाप बेटा हम बच्चों को समझा रहे हैं, सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बेटा समझाते हैं बच्चों को, सबको तो नहीं समझाएंगे। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान उवाच, किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वो भगवान बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालत और कोई के चल ना सके। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर ज्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान उवाच। उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला समझाने वाला कौन है। वो सुप्रीम सोल ज्ञान सागर निराकार है, वो है ही ट्रूथ, वो सत्य ही बताएगा। क्योंकि ट्रूथ माने सत्य, सत्य बताएगा सबको, सत्य ज्ञान देगा। बाबा कहते तुमने सब छोड़ दिया ट्रूथ के ऊपर, तो पहले पहले इस पर समझाना है कि हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह राजा ही पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा जो सभी का बाप है वो पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। क्योंकि बाबा है पतित पावन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाले, समझाते हैं हम बच्चों को। ये शिक्षा भी तुम उस बेहद के बाप से मिलती है, वही सृष्टि का रचयिता है। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला शिव बाबा है, तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उस परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वह नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, जो बाप ही सचखंड बनाते हैं। यह कयामत का समय है, अब यह बुद्धि कहती है कि कयामत का समय है तो कलयुग विनाश हो जाएगी, फिर सत्ययुग स्थापना हो जाएगी। पावन दुनिया सत्ययुग को कहा जाता है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, तुम समझते हो अभी सब नरकवासी हैं। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, यह जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फर्क है।
तुम्हारे मुख से कवि है ईश्वर है भगवान नहीं निकलेगा। मनुष्य का तो यह आधा कला प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वो हमारा बाप है, तुमको है बाबा थोड़ी ही कहना है। बाप से तुमको तो वर्षा लेना है, क्योंकि जब हम राजयोग सीखते हैं तो संसार के सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ते हैं। बाप जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही काम चिता पर बैठ भा भस्मीभूत हो गए हैं। अब मैं फिर ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूं। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं वहां शांति धाम और सुख धाम में रहती हो। सुख धाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी। वहां देवताएं रहते हैं और वो है स्वीट होम, आत्माओं का घर। अभी एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं इस सृष्टि पर पाठ बजाने। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, जहां हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तब बाप आकर सबको ले जाएंगे, इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं, दुख हरता सुख करता। इतने सारे मनुष्य कहां जाएंगे, विचार तो करो। बाप पूछ रहे हम बच्चों को, पतित पावन को बुलाते हो किस लिए? अपने मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहने नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं घर चलो। यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन योग कितना मशहूर है, विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राज्यों के सिखलाने। क्रिश्चियन में बहुत हैं जो सन्यासी का मान रखते हैं। ना कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा ही है। ऐसे नहीं कि जरूरी है सफेद कपड़ा पहनना, लेकिन सफेद सबसे अच्छा है। तुम भट्टी में रहो तो ड्रेस भी यह हो गई है, आजकल सफेद पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सफेद चादर डालते हैं। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है, दो बाप हैं, यह बातें समझने में टाइम लगता है। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सत्युग में एक बाप और इस समय तुमको तीन बाप, क्योंकि भगवान आते ही हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। एक निराकार बाबा, एक ब्रह्मा बाबा जो संपूर्ण फरिश्ता सृष्टि का प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, एक है शरीर को जन्म देने वाला बाबा। तो तीन बाबा हो गए। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते और ब्रह्मा द्वारा वर्षा भी देते हैं। तो हमें वर्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे यह पति को भाई सासू को बहन कह देते हैं, यह क्या है। भगते युक्ति से चलना है। यह ज्ञान की बातें तुम ही जानो और ना जाने कोई, कहते हैं ना प्रभु तेरी गत मत तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बड़ी संभाल से चलना पड़ता है, कहां कोई मुझे नहीं। तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। हम जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं स्वयं ईश्वर पढ़ा रहे हैं। कहते भी हैं कृष्णपुरी और फिर यह है कंसपुरी। कृष्णपुरी नई दुनिया, कंसपुरी है पुरानी दुनिया। कहते हैं देवताएं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीता, परंतु ऐसा तो है नहीं। कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापना हुई। कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी, नई दुनिया में थोड़ी यह कंस दत्त्य आदि होंगे। यहां तो देखो कितने मनुष्य हैं, सत्युग में बहुत थोड़े हैं, यह भी तुम समझ सकते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है, देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। देवी संप्रदाय सत्युग में ही होते हैं, आसुरी संप्रदाय यहां है। बाकी ना देवताएं और असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरव और ना पांडव की हुई है। तुम रावण पर जीत पाते हो, और ये विकार पर जीत पाना माना रावण पर जीत पाना। तो बाबा आज धारणाओं में कहते हैं इस कयामत के समय जबकि सत्युग की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी भी संशय नहीं उठाना है।
ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसीलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने जो सुनने वाले मुझ जाए। बाबा वरदान दे रहे हैं आज हम बच्चों को, मनमत परमत को समाप्त कर, श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पद्म भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ, आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वो स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पद्म भाग्यशाली बन सकेंगे। बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी चिंतन करते हुए अनुभव करना है, स्नेह का सागर सर्वशक्तिवान मेरे साथ हमेशा है, मेरे जीवन में हमेशा सफलता ही सफलता है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।